बड़वानी के राजघाट में टापू में बसे परिवार से मिलने पहुंचे बड़वानी एसडीएम अभय सिंह ओहरिया व एसडीओपी अंतर सिंह जमरा, डूब प्रभावित परिवार का आक्रोश का सामना एसडीएम को करना पड़ा। अभी भी टापू में 40 से अधिक परिवार यहां रह रहे हैं। एसडीएम ने डूब प्रभावित राजघाट में पहुंचकर सुनी डूब प्रभावितों की समस्या। वहीं उन्हें समझाया कि नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर वे अविलंब अपने गृहस्थी सामान एवं पालतू पशुओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिससे कोई जन धन हानि न होने पाए। इस दौरान राजघाट के रहवासियों का एसडीएम को आक्रोश का सामना करना पड़ा। कुछ दिन पूर्व राजघाट में नाव से जाते हुए करंट लगने से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस पीड़ित परिवार ने एसडीएम को खूब खरी खोटी सुनाई। अगर उस समय सरकारी नाव से हमारे परिवार के साथी को जाने दिया होता तो मृत्यु नहीं होती। वहीं एसडीएम ने अपनी बात रखते और परिवार के आक्रोशित लोगों की सभी बातें सुनी और राजघाट बने टापू का मुआयना किया। डूब प्रभावितों की उचित पुनर्वास व मुआवजा की प्रमुख मांग है। कुछ परिवार इसलिए छूट गए जो डूब में प्रशासन ने नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर आने जाने के सभी रास्ते बंद, सिर्फ नाव से ही राजघाट आ सकते हैं। एसडीएम ने बताया जल्द जिन परिवार की शिफ्टिंग की जाएगी, जल स्तर बढ़ रहा है। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। क्यों खाली कर, हमको कहीं मिलिया नहीं तो क्यों जावा, हम बना रहे रोटी खा रहे रह रहे यहाँ। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको? सबको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला। दो पाँच अस्सी दो और प्लाट दो, हम खाली करके चल जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ डूब रहे हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। प्लाट मांग रहे, 85 मांग रहे, पर नहीं दे रहे हैं वो। आज का विरोध क्या आपने? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि दो हमारा सामान है, कहाँ पे ले जाएंगे? सामान निकालना है, बहुत सारा सामान है, इसलिए क्या करें। आज हमने जो है राजघाट, जो कुकरा बसाहट और राजघाट का जो है टापू बना हुआ है, उसका दौरा किया गया। दौरा क्या हमारा रूटीन का काम है, क्योंकि वहाँ पर टापू बना हुआ है तो उसमें कितने मवेशी और कितने परिवार बचे हुए हैं, अरे लोग हैं, उनको समझाने के लिए गए थे। क्योंकि चारों तरफ से वो जो सेकंड वैकल्पिक रास्ता था वो भी बंद हो गया है, ऐसी स्थिति में उनको निकालने की समझा देंगे। सर गाँव वालों ने विरोध भी किया था? गाँव वालों का वो जो है कुछ समय पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर आक्रोश था, और उनका ये कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं हमसे मिलने के लिए। हालांकि जो जिनकी ड्यूटी लग रही है तो समय समय पर आके जो है उनसे संपर्क कर रहे हैं, और उनकी जो है चूँकि सभी जो लोग हैं परिवार जो बचे हुए हैं वो गुजरात शिफ्टेड फैमिली है, तो इस आधार पर हम लोग जो है उसमें क्या हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे और एक दो रोज में उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के नगर